हमारी आज की वीडियो है कि डीजल का पूरा इंटेक मैनिफोल्ड कैसे खोलते हैं कार्बन क्लीनिंग के लिए। आइडियली 50-60 हज़ार किलोमीटर के बाद डीज़ल की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर कार्बन बिल्डअप हो जाता है, हमें क्लीन करना पड़ता है टू मेक इट मोर रिफाइंड, क्योंकि जैसे वो नहीं होती है उसके बाद वैसे नहीं आती हैं। 50-60 हज़ार किलोमीटर के बाद वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाती हैं, थोड़ी स्मूदनेस में भी इफ़ेक्ट आता है। एंड टू ब्रिंग बैक दैट स्मूदनेस बैक And to bring that smoothness back, we need to clean some of the things, and intake manifold is one of them. Manifold is one of them. So we have to remove the engine cover first, and then we have to remove two things. First is this anti-shutter valve. ये मैंने पिछले videos में already clean किया था, और कैसे खोलना है? How to open this anti-shutter valve? I am linking a video in the top right corner. You can click on this and know how to remove this thing, clean this thing, and what are the advantages. And I am also gonna link one more video कि आप EGR return pipe को, इस वाली pipe को कैसे खोलेंगे ताकि हमें intake के लिए पूरा access मिल जाए, नहीं तो हमें इसको साथ में खोलना पड़ेगा। So इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए भी आपके एक video link कर रहा हूँ top right corner में, आप check करें। उसके बाद मैं आपको इसका पूरा process बताता हूँ कैसे कैसे होगा। तो आप जब तक इस वाले videos को check करेंगे, मैं एंटी शटर वाल्व को अलग कर लेता हूं ताकि हम आगे का प्रोसेस कैरी करें। नाउ द एंटी शटर वाल्व इज रिमूव्ड। ये क्लोथ वाली टेक्निक मैंने आपको पहले बताई थी उस एंटी शटर वाल्व वीडियो में, ताकि इसके अंदर कोई बोल्ट ना गिर जाए, क्योंकि यहां से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डू दिस एज वेल। और EGR रिटर्न पाइप जो हमारी इस पोर्ट से लेकर यहाँ तक आती है, उसे भी उतार दिया है। अब हमारा इनटेक का काम स्टार्ट होता है। तो इनटेक का काम स्टार्ट करने से पहले हमें तो कुछ सेंसर्स रिमूव करने हैं। जैसे ये वैक्यूम प्रेशर सेंसर है, इसका T30 है, मैंने ऑलरेडी लूज़ कर लिया था। अब बस इसके बोल्ट साइड रख के मैं सेंसर को साइड कर दूंगा, ताकि हमारे इनटेक उतारने के रास्ते के बीच में ना आए। ओके, सेंसर साइड। इनटेक में तो थोड़ी बहुत जगह आपको साथ साथ बनाते हुए चलनी पड़ेगी। ये इस साइड आपको ये पाइप रिमूव करनी है, रिमूव्ड। उसके बाद आपको डीजल की रिटर्न लाइन डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। आपको ये बोल्ट रिमूव लूज़ करना है। मैंने लूज़ कर लिया, लेकिन उतारूंगा नहीं। पहले जो पाइप की कपलिंग्स हैं, एक पाइप कपलिंग ये रही, उसके बाद आपकी दूसरी पाइप कपलिंग आपको उतारनी है यहाँ से, ताकि ये पूरी एक साथ बाहर आ जाए। आपको दोनों ही उतारनी पड़ेंगी, नहीं तो ये वाली पाइप अलग करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको दोनों उतार लें। उसके बाद आपको एक रिटर्न पाइप ही उतारनी है। इसके बाद हम अपनी पाइप्स निकाल सकते हैं बाहर, ताकि हम अपने इनटेक पे जो काम कर रहे हैं वो करते रह सकें। उसके बाद हमें वायरिंग लूम थोड़ा साइड करना पड़ेगा, फिर रेल खोलनी है। बट मैं पहले ये सारी चीज़ें खोलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो हम जैसे देख सकते हैं कि मैंने पूरी की पूरी जो रिटर्न लाइन का सर्किट है वो उतार दिया है। तो अब हमें उतारनी है फ्यूल रेल। उसके लिए हमें एक दो हाई प्रेशर लाइंस उतारनी पड़ेंगी, तो मैं दिखाता हूँ कैसे हैं। इसको साइड रख देते हैं। तो हाई प्रेशर लाइन उतारने के लिए हमें पहले तो हमें ये वायरिंग लूम हटाना पड़ेगा। इसको सिर्फ ऊपर खींचेंगे तो वायरिंग लूम जगह बन जाएगी वायरिंग लूम की। इधर से कुछ ज़्यादा अच्छा कनेक्टेड है, कोई नहीं, देखते हैं अभी उतारते हैं। तो हमें इसकी सारी हाई प्रेशर लाइंस खोलनी पड़ेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। रिटर्न लाइन भी है, उसके बाद दिखाते हैं। 17 नंबर की चाबी स्पैनर लगेगा इस पर, उसके अलावा किसी और से नहीं, क्योंकि इस पर हम और कुछ डाल नहीं सकते। तो इसको खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने हाई प्रेशर लाइंस भी हटा दी हैं। एक हटा दी, दूसरी हटा दी, तीसरी हट गई है, फोर्थ वन को रिमूव कर रहा हूँ। एंड इसके बाद एक और बची है जो हमें निकालनी है। पांचों को निकालने के बाद हमारे जो फ्यूल रेल है वो सिर्फ अपनी माउंटिंग ब्रैकेट पे ही रह जाएगी, विच इज़ S10 स्प्लाइन 10 बिट, स्प्लाइन की 10 मिलीमीटर बेट, जो कि ऐसी दिखती है। फोकस, यस।
इसको खोलना है, दो हैं, एक यहाँ है और एक वहाँ बीच में है, अगर आप देख सकते हैं ये रहा। तो इन दोनों को खोल के फ्यूल रेल भी साइड हो जाएगी, खोलते हैं, उसके बाद इनटेक खोलने का काम स्टार्ट होगा हमारा। और ऐसी है एस्टन बिट, तो ये लगेगी बिल्कुल यहाँ पे, और इसके बाद एक यहाँ पे है बोल्ट, और जैसे मैंने आपको पहले बताया एक है यहाँ पे, तो ये दोनों खोलेंगे, उसके बाद फ्यूल रेल हिलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने फ्यूल रेल भी अपनी जगह से डिसलोकेट कर दी है, तो जैसे आप देख सकते हैं पूरी फ्यूल रेल हिल रही है। अब ये सारा काम हमें सिर्फ इसलिए करना पड़ा, जस्ट अ सेकेंड, अब ये सारा काम हमें सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि फ्यूल रेल ये पीछे वाले बोल्ट्स के बिल्कुल ऊपर है, तो अब जाके हमें पीछे वाले बोल्ट्स बिल्कुल सीधे सीधे दिखने लगे हैं, जिसे हम अब उतार सकते हैं। एक चीज़ जो मैं नहीं उतार रहा हूँ वो है ये ग्लो प्लग्स, और डीजल हीटर्स भी बोलते हैं इन्हें। अब मैं इसे क्यों नहीं उतार रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं उतार रहा क्योंकि ये इतने ऑलमोस्ट गाड़ी 5 साल पुरानी है, और कभी कभी ऐसा होता है इन्हें उतारने के चक्कर में इनकी केसिंग क्रैक हो जाती है, और उसके बाद केसिंग चेंज होती नहीं है, पूरा वायरिंग लूम आता है, सो इसलिए मैं इन्हें उतारने से बच रहा हूँ। वैसे भी ये साइड पे हैं तो हमारे इनटेक में हमें दिक्कत नहीं देंगे। सो अब इनटेक के हमें जो बोल्ट्स खोलने हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बोल्ट्स हैं, ये 10 बोल्ट्स खोलते हैं और हमारा इनटेक बाहर होगा। अब जैसे मैंने ये वाले सारे बोल्ट्स लूज कर दिए हैं, अब मेरे को बस इन सारे बोल्ट्स को बाहर निकालना है, हमारा इनटेक बाहर आ जाएगा। सो मैं सारे बोल्ट्स बाहर निकालता हूँ, एक बार इनटेक निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ। अब इनटेक के सारे बोल्ट्स खुल चुके हैं, बाहर निकाल चुका हूँ एक्सेप्ट दिस वन, इसके लिए मुझे T30 ये खोलना पड़ा क्योंकि ये हाई प्रेशर रेल का जो रेल के अंदर जो प्रेशर जा रहा है पंप से वो है, थोड़ा सा साइड करने के लिए ऐसे दबा के ताकि जो ड्राइव है वो लग सके। अब पूरा का पूरा मैनिफोल्ड विद बोल्ट बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है उसे बिल्कुल भी उठा के बाहर निकालने की, तो निकालता हूँ, उसके बाद मैं मैनिफोल्ड के अंदर से कंडीशन दिखाता हूँ कि क्या है। नाउ द इनटेक मैनिफोल्ड हैज़ बिन रिमूव्ड, सो देखते हैं अंदर वाल्व्स की कंडीशन दिख रही है या नहीं। ओके, दिस सीम्स टू बी एज फार एज आई गेस्ड की वॉल गंदे होने चाहिए थे ऊपर से, बट अमेजिंग थिंग इज कि ये तो साफ है। ऑलमोस्ट जितने वॉल्स को मैं देख पा रहा हूँ वो सारे साफ नज़र आ रहे हैं मुझे, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके वॉल्स की जो ऊपर वाली साइड है वो बिल्कुल साफ़ है। इंजेक्टर नंबर 1 इज़ अ लिटिल बिट डर्टी, इंजेक्टर नंबर 2 आप इसे मतलब ये कैमरे पे कैच नहीं हो रहा है बट आई कैन सी इट, इंजेक्टर नंबर 2 इज़ प्रीटी मच क्लीन, 3 प्रीटी मच क्लीन एंड 4 इज़ अ लिटिल बिट डर्टी, सो 1 एंड 4 इज़ डर्टी एंड 2 एंड 3 आर रियली गोइंग वेरी वेल। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनटेक के अंदर से क्या हाल है। कार्बन बिल्डअप है बट ऐसा जितना ज़्यादा मैंने सोचा था उतना ज़्यादा नहीं है, उससे कम ही है। मे बी मेरा ड्राइविंग स्टाइल ऐसा है कि ज़्यादा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल कि आपका कितना कार्बन एक्यूमुलेट हो पाता है इसके अंदर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ हम इसे क्लीन करेंगे आराम से बैठ के जहाँ आपको सही लगे, और पहले डीजल से क्लीन करेंगे, सारा कार्बन निकाल देंगे और उसके बाद एक पेट्रोल वॉश देंगे ताकि जो डीजल की जो लुब्रिकेटिंग फिल्म होती है वो हट जाए, उसके बाद हम इसे वापस लगाएंगे, लेकिन पहले वो सरफेस साफ़ करेंगे, उसमें बहुत मिट्टी है, सो पहले उसे साफ़ करेंगे, उसके बाद का काम है लगाना। अब मैं इसे एक डीजल वॉश दे चुका हूँ, जो साइट थी उसे तो टूथब्रश से पुराने टूथब्रश से टारगेट करना ईजी था, पर जो डीप डाउन क्रेविस है तो मैंने उस पर इतना फोकस किया नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि इतना कार्बन बिल्डअप है, जैसे मैं कई गाड़ी को मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा कार्बन बिल्डअप होता है। अब हमारा काम है इस सरफेस को सारा साफ़ करके उसके बाद दोबारा इनटेक मैनिफोल्ड लगाते हैं, तो मैं जैसे जैसे हमने उतारा है बिल्कुल वैसे वैसे रिवर्स स्टेप हम उसे लगाएंगे, तो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में जाके एक प्रोसीजर और बताऊंगा, क्योंकि हमने डीजल सिस्टम खोला है सारा फ्यूल सिस्टम, तो हमें उसकी एयर ब्लीड करनी पड़ेगी, तो उसका एक तरीका बताऊंगा, वो लास्ट का काम है, बाकी मैं पहले सारा कुछ लगा देता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। सो सरफेस क्लीन, अब हम आगे का लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।
अब मैंने इंटेक के जितने भी बोल्ट्स हैं वो सारे डाल दिए और हाथ से टाइट कर दिए। अब इन्हें कसने का पैटर्न क्या है, हम अंदर वाली साइड से बाहर वाली साइड जाएंगे, 1 2 3 4 अंदर कस के, फिर ये दो, फिर ये दो, और फिर ऐसे करके बाहर की तरफ जाना है हमें इसे, ताकि ये प्रॉपरली बैठ जाए। अब जैसे मैंने सारी की सारी चीज़ें वापस लगा दी हैं, जैसे जैसे हमने उतारी थी, एंटी शैडो वाल्व तो भी वापस लगा दिया, वायरिंग कनेक्ट कर दी, सारे बोल्ट्स टाइट हो गए हैं, सारे क्लैंप्स टाइट हो गए हैं, जो जो पाइप्स उतारी थी और जो फ्यूल रेल के सेंसर उतारे थे, मतलब सेंसर का कपलर उतारा था, वो भी टाइट हो गया है। तो सारी चीज़ें एक बार दोबारा चेक कर लें। जो फ्यूल रेल में आपकी हाई प्रेशर लाइन्स लगी हैं वो भी कनेक्ट कर दी हैं वापस और टाइट भी कर दी हैं। अब लास्ट चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हम जो इंजेक्टर की साइड पर हाई प्रेशर लाइन्स हैं उसे थोड़ा लूज़ करेंगे, एक नहीं सारी की सारी, चारों के चारों, और उसके बाद हम थोड़ा एयर ब्लीड करेंगे, क्योंकि जैसे हमने सारा कुछ खोला था तो लाइन में एयर आ चुकी है, तो अब हमें उस एयर को ब्लीड करना है। तो दिस वाज द लास्ट थिंग जो मुझे आपको बतानी थी, और उसमें लाइंस को लूज़ करके आप 4-5-6 बार स्विच ऑन और ऑफ़ करेंगे, ताकि जितना प्रेशर बिना उसके लीक हो, मतलब जितनी एयर बिना उसके ब्लीड हो सके हो जाए, और उसके बाद एक बार स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा रफनेस में स्टार्ट होगी 1-2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैक्सिमम, उसके बाद फिर आप बंद कर देंगे और हमारी ये सारी चीज़ें चारों हाई प्रेशर लाइंस इंजेक्टर की टाइट करके काम ख़त्म। सो दिस इज़ हाउ intake manifold on a Volkswagen or Skoda is done. If you are looking forward to do this work on your own, see past almost 3-4 hours of work alone. So itna time leke chalna jab ye kaam pura ho payega. So fuel system bleed karne ke baad car start ho gayi hai. I'm gonna have a look at the dashboard cluster. No MIL light. So koi fault code bhi nahi aaya, means humne kaam sara badhiya kiya hai. एंड द लास्ट थिंग यू हैव टू चेक इज कि जितनी भी पाइप कपलिंग्स आपने खोली हैं उसमें से कहीं से लीकेज ना आ रहा हो, तो वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली नोटिस कर लें, और हमारा काम आज की यही वीडियो यहीं ख़त्म होती है।